Morning class, let's continue our topic polynomials. So yesterday we have discussed the types of classification of the polynomial. So there are two types, one the on the basis of the terms, okay, and second the on the basis of degree. So now today we will discuss on the basis of degree, what is the meaning of polynomials. So degree, what is the meaning of degree, one is thing. तो डिग्री इन जनरल आपने सीखा है, सपोज आपसे पूछा जाए x4 प्लस एक्स क्यू प्लस वन, वन इज पॉलिनोमियल, सपोज ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स थ्री पावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस वन, ओके. तो नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन यू विल से व्हाट सर डिग्री इज फोर. यस यस करेक्ट, इट मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ टर्म इज नोन एज डिग्री, हाइएस्ट पावर. डिग्री जो होती है वो हाइएस्ट पावर होती है, ठीक है. तो नाउ सी, तो आपने इस टर्म की डिग्री देखी, पावर देखी फोर, इसमें देखी थ्री और इसमें देखी जीरो. इट मीन्स फोर मैक्सिमम लगा, सो देन आपने वैल्यू लिख दिया. ओके, नेक्स्ट इज एक और एग्जाम्पल देते हैं. सपोज px इक्वल टू, सो हाइएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन. नाउ सी, सो नाउ अगेन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल. सी आप देखेंगे सर यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, आप बोलेंगे सर डिग्री इज थ्री, ओके. तो ये पी एक्स नहीं रहा यहाँ पर, अब आपके टू वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज थ्री. नो, सी आपको क्या बताया गया था, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इज नोन एज डिग्री. सो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है टू, और वाई की पावर कितनी है टू, तो इस टर्म में टू और टू ऐड होके कितनी बन जाएगी फोर. अगर वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो उन सब की पावर ऐड होके टोटल काउंट जो पावर आएगी, दिस इज नोन एज रिप्रेजेंट द टर्म ऑफ पावर, ओके. तो फोर, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी फोर. बात में आ गई, ये आपके कोर्स में है नहीं बट ये कंपटीशन में कभी आ जाता है, ओके. नाउ सी, नाउ टेबल बनाई गई है कि आपके लिए इजी हो जाए टू रिकॉग्नाइज दिस. सी तो डिग्री का मीनिंग समझ में आ गया. नेक्स्ट है डिग्री, फर्स्ट इज इफ द डिग्री इज जीरो, ओके. टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, इफ द डिग्री ऑफ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल. तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल इज कॉन्स्टेंट, इफ द वेरिएबल पावर इज जीरो देन एक्स टू पावर जीरो इट मीन्स वन, ओके. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ दिस इज, इसको डिपेंड कर दिया जाता है के से, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल्स वन टू माइनस थ्री अपॉन फोर पाई ई टी सी, पाई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ओके. नेक्स्ट, एंड कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके. सी नेक्स्ट इज, फर्स्ट इज, सेकेंड इज, इफ द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज वन, ओके. डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल मीन्स वेरिएबल की पावर अगर वन हो, देन द पॉलीनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलीनोमियल, ओके. लीनियर, देन द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इज ए एक्स प्लस बी, ओके. हम इसको ऐसे लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स का फंक्शन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस पी, ओके. वेयर
a and b is real number. a and b की वैल्यू क्या है? रियल नंबर. बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. रियल नंबर है. रियल मीन्स रेशनल और इरेशनल. तो नाउ सो a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये जीरो हो गई तो b रहेगा, और b रहेगा तो ये कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में चले जाएगा. एंड एग्जाम्पल इज 3x प्लस 1, ओके लीनियर है. 4x देखो डिग्री 1 है इसलिए लीनियर है. नेक्स्ट इज डिग्री इज 2 एंड 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस जनरल फॉर्म इज px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर कॉमा a नॉट इक्वल टू जीरो एंड a b c ये क्या है आपके? रियल नंबर. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सी और 3x स्क्वायर सी 2x और 1 जीरो हो सकता है. ये भी कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक कहेंगे. बट a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर ये जीरो हो गई तो ये bx प्लस b बन जाएगा. bx प्लस c मीन्स x की पावर 1, तो लीनियर की कैटेगरी में चल जाएगा. ओके नेक्स्ट फोर्थ इज डिग्री इज थ्री. दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ सो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. ए बी सी डी है. ओके ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड हेयर ऑल्सो ए नॉट इक्वल टू जीरो. क्लियर? एंड ए बी सी डी आर द रियल नंबर. एग्जाम्पल 3x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 1. दिस इज नॉट कंपल्सरी कि कंटिन्यूस ही हो, पावर 4 चाहिए हमें बस. ओके नाउ इसको और लिख सकते हैं 5x4. ओके कॉमा नेक्स्ट इज सी डिग्री इज 4. ना डिग्री ऑफ 4 इज नोन एज क्वाड्रेटिक से बना बाय क्वाड्रेटिक. पॉलिनोमियल. ओके और इसी का ही दूसरा नेम है, एक और लिखा जाता है इसमें नेम और क्वाट्रिक. क्वाट्रिक. ओके नाउ सी इन द पावर 4 इट मींस पी एक्स इज ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. इट मीन्स 4, 3, 2, 1 and 0. ओके एंड हेयर ऑल्सो ए नॉट इक्वल टू जीरो. सो एग्जाम्पल इज 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1. दिस इज नॉट कंपल्सरी की सिक्वेंस हो, हमें पावर 4 चाहिए. ओके नेक्स्ट इज सो लास्ट 4 तक ही हैं आपके. इसमें एक लास्ट रह जाता है आपका. ओके नोट डाउन. सो लास्ट रह जाता है आपका जीरो पॉलिनोमियल. क्या रहता है आपका? जीरो पॉलिनोमियल. एंड इसको दिख नहीं रहा यहाँ पर, सही से लिख देते हैं Q-U-A-R क्वार्टिक T-I-C. ओके नाउ तो जीरो पॉलिनोमियल सी जीरो है तो कांस्टेंट,
वन लीनियर डिग्री वन, टू क्वाड्रेटिक, थ्री क्यूबिक, फोर बाइक्वाड्रेटिक, जीरो जिसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अ पॉलीनोमियल विच हैव डिग्री नॉट डिफाइंड इज नोन एज जीरो पॉलीनोमियल. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल भी जीरो से ही जीरो ही है. ओके जीरो पॉलीनोमियल को डिपेंड भी जीरो से ही किया जाता है. सी जीरो वाई जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती. तो किसने पूछा था इसकी डिग्री क्या है? तो किसने कहा था जीरो की मल्टीप्लाई होगा हम एक्स की पावर वन से कर दें क्या आएगा वन डिग्री क्या आएगा. जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर फाइव से कर दें तब भी आंसर इसका कितना आएगा जीरो ही आएगा. नेक्स्ट किसने कहा था जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 22 से कर दीजिए. इट मीन्स जीरो के केस में सबकी डिग्री वन है इसमें फाइव कहेगा कोई 22 कहेगा तो डिफाइंड नहीं है. ओके क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होके सब जीरो ही बन जाता है. तो दैट्स वाई इन केस ऑफ जीरो पॉलीनोमियल डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ओके डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ओके एंड द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या कहें इसमें हम जीरो ही कहते हैं उसको. एग्जाम्पल भी इसका जीरो ही है. ओके पी एक्स इक्वल टू जीरो कह देते हैं. ओके नोट डाउन. ओके क्लास सो क्विकली रिवाइज करते हैं. कॉन्स्टेंट की डिग्री जीरो के लीनियर में वन. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वन डिग्री ए एक्स प्लस बी ए एंड बी आर रियल नंबर ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी. डिग्री टू देन क्वाड्रेटिक ए नॉट इक्वल टू जीरो. डिग्री थ्री ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू जीरो. एंड सबसे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द जीरो पॉलीनोमियल डिग्री नॉट डिफाइंड एंड द आंसर इज उसका क्या होता है पी एक्स इक्वल टू जीरो होता है. सो इसकी जितनी भी डेफिनेशन है बुक में विद एग्जाम्पल्स आपको राइट करना है. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.